हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हम कॉन्फिडेंशियल ईमेल कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर रखा है। अब हम कंपोज पे क्लिक करेंगे ईमेल करने के लिए। फिर बिल्कुल नीचे जहाँ से हम फाइल अटैचमेंट करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, वहीं से सिग्नेचर से पहले ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो लिखा हो, इसका नाम है टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन ऑफ। हमने इस पे क्लिक कर दिया। इस कॉन्फिडेंशियल मोड के हमें तीन फीचर्स मिलते हैं जीमेल की ओर से। एक तो हम ईमेल मैसेज का एक्सपायरेशन टाइम सेट कर सकते हैं, आपकी ईमेल विद इन आफ्टर वन डे, आफ्टर वीक, कब आपकी एक्सपायर इन मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर, हमने सेट कर दिया एक्सपायर इन वन डे। सेकंड, आप मैसेज ओपन करने के लिए एसएमएस पासकोड, जिसको हम ओटीपी भी कहते हैं, वो सेट कर सकते हैं। और कभी भी आप अपने मैसेज की एक्सेस को रिवोक कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहते हो आपके बाद में चेंज आ गया, आप कभी भी उसके एक्सेस को आप रिवोक कर सकते हो। हम देखते हैं कैसे करना है इसको। हम इसकी एक्सपायरी इन वन डे सेट कर देंगे, फिर हम एसएमएस पासकोड रेडियो बटन ऑन कर देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे ईमेल टाइप करेंगे, जिसको हमने ईमेल सेंड करना है उसका एड्रेस हम फिल कर देंगे। यहाँ मैं अपनी ही दूसरी आईडी का ईमेल एड्रेस सेट कर दूंगा, देन इसका मैं सब्जेक्ट लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम वर्ड ही इसमें लिख दूंगा, लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ आपको विद कंट्री कोड के साथ आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, जिस पे जो पासकोड भेजा जाएगा, यह हमने फिल कर देना है। और मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर दिया। जहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो, चाहे आप सेंड करने वाले का, चाहे आप रिसीव करने वाले का, जिस पे आप पासकोड चाहते हो, वो नंबर जहाँ फिल कर दोगे और सेंड पे क्लिक कर दोगे, तो ये आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। फिर मैंने इसके ओपन करने के लिए साथ ही दूसरा ईमेल अकाउंट भी अपना ओपन कर रखा है। अब इसमें हम देखते हैं ईमेल कैसे ओपन होती है। देखिए, यहाँ में वो ईमेल रिसीव हो चुकी है, यहाँ हम क्लिक कर देंगे तो ईमेल ओपन हो रही है हमारी। ओपन होते ही सेंड पासकोड, तो इसका पासकोड मोबाइल नंबर पे आएगा, जो नंबर हमने ऐड किया था, इसका पासवर्ड मुझे रिसीव हो चुका है, मैं यहाँ फिल कर दूंगा। तो ये हमारी ईमेल ओपन हो जाएगी, जो उसमें हमने कंटेंट दिया था वो हमें शो हो जाएगा। और इसमें साथ में शो कर रहा है ये आपका जो ईमेल जब कंटेंट है वो 14 नवंबर 2021 वो एक्सपायर हो जाएगा। और हम इस ईमेल को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, प्रिंट और डाउनलोड भी नहीं कर सकते। और इसका एक ऑप्शन और था, हम इसके एक्सेस को कभी भी रिवोक कर सकते हैं। वो कैसे करना है, आपने आप अपने जिस ईमेल अकाउंट से भेजा है उस पर सेंड बॉक्स में जाएंगे, उस ईमेल को ओपन करेंगे, यहाँ लिखा था रिमूव एक्सेस, जो एक्सेस की परमिशन है उसको यहां से आप पहले भी रिमूव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।